हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर रेशनल नंबर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा 8th स्टैंडर्ड। तो पहले तो रेशनल नंबर से पहले हम थोड़ा अगले स्टैंडर्ड का याद कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें आएगा नेचुरल नंबर। तो आप सबको पता होगा कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, दे आर ऑल द नेचुरल नंबर। उसके बाद जो टर्न आता है वो होता है होल नंबर। तो होल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? तो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो तो रहते ही है, उसके अलावा एक जीरो ऐड होता है। तो ये हो गया हमारा होल नंबर। उसके बाद जो आएगा वो आएगा इंटीजर। तो इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर तो होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। उसके अलावा नेगेटिव नंबर भी रहते हैं, इनफाइनाइट है। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नंबर एंड जीरो एंड होता है। तो ये तीनों जो होते हैं वो रेशनल नंबर तो होते ही है, बट रेशनल नंबर में इसके अलावा क्या ऐड होता है? 0, 1, 2 वो सब रहता ही है, मतलब ये सारे नंबर को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं। उसके अलावा फ्रैक्शन नंबर आते हैं, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, सिमिलर नेगेटिव में -3/2, -7/2। तो इसको जो हम बोलते हैं रेशनल नंबर। दैट मींस रेशनल नंबर इज द मिक्सचर्स ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, फ्रैक्शन एक्सेट्रा। तो दे आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। ओके, नाउ अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो हाउ मेनी नंबर्स कैन वी फाइंड बिटवीन द टू रेशनल नंबर। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं कि भी 1/5 एंड 2/5, तो ये दो रेशनल नंबर है। ये दो रेशनल नंबर के बीच में हाउ मेनी नंबर्स कैन वी फाइंड? तो वी कैन फाइंड द इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन देम। तो कैसे हम कर सकते हैं? आप ऐसे कहोगे कि इसका डिनोमिनेटर पहले तो सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर 1 एंड 2 है, न्यूमरेटर में 1 एंड 2 है, तो 1 और 2 के बीच में तो कोई गैप ही नहीं है। हमें नंबर फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल 5 रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे हम? तो पहले तो याद रखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, वो तो है ही। अभी इसको हम हमारे कोई मर्जी का नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जैसे कि चलो मैं 1/5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10/10 से, और दूसरा जो नंबर है 2/5 उसको भी मैं 10/10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 50। तो अगेन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, ऊपर जो नंबर आए वो 10 एंड 20, तो 10 एंड 20 के बीच के हम 5 नंबर जो हमें फाइंड करने के लिए बोला है वो कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 11/50, 12/50, 13/50, 15/50, 17/50, 19/50। तो दे ऑल कॉल्ड द रेशनल नंबर। दैट मींस हम दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम ना हो। लेट टेक एग्जांपल 2/7 एंड 1/6। ओके, तो ये दो नंबर है। तो पहले तो आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम में क्या करेंगे, 2/7 है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड जो 1/6 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। मतलब कि 7 वाले को 6 से और 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके डिनोमिनेटर में 7 था उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें जो 6 था उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ऊपर हो जाएगा 12 एंड 42, ये हो जाएगा 7 एंड 14। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम बन गया है।
अभी 42 42 सेम है, ऊपर है 7 एंड 12, तो 7 एंड 12 के बीच के नंबर है 8 9 10 एंड 11, चार नंबर है। मान लो हमें ऐसा बोला कि वी फाइंड द सिक्स नेचुरल सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन दिस टू नंबर्स, तो 6 तो यहां पे है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे अगेन मल्टीप्लाई बाय आपकी मर्जी 10 20 1000 जहां से भी मल्टीप्लाई करना है, बट हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 120 अपॉन 420, ये हो जाएगा 70 अपॉन 410। That means denominator तो same है ही, but यहाँ पे जो number है वो 70 and 120, तो 70 and 120 के बीच के आपको कोई भी 5 या 6 जो भी number आपको पूछे हो वो ले सकते हैं। जैसे कि मैं ले रहा हूँ 71 by 420, 73 by 420, 91 by 420, 1303 by 420, 107 by 420। इसके अलावा भी जितने भी number आपको बोले हो वो number आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर की हम बात करेंगे। ये प्रॉपर्टी आप 7 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, वो जो नेचुरल नंबर और इंटीजर्स की थी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, यहां पे रेशनल नंबर, वही प्रॉपर्टी फिर से रिपीट हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट मींस द एडिशन और सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। That means, take an example, हम ले रहे हैं, मान लो कि 1 by 3 and 2 by 5 हमने ले लिए, 1 by 3 and 2 by 3, 3 LCM ले रहे हैं, तो 1 plus 2 हो जाएगा 3, 3 3 कट हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारा 1, तो ये जो 1 मिला, वो भी हमारा rational number ही मिला, तो इसको हम बोलेंगे closure property। Commutative property मतलब, पहले तो commutative property होती है सिर्फ addition and multiplication के लिए ही, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, फॉल्स है उनके लिए। तो क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम लिखेंगे कि 1/3 + 4/5 = 4/5 + 1/3, दैट मींस यू कैन चेंज द सीक्वेंस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली एडिशन के बदले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो तो भी चलता है, मतलब कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर आप कोई दो नंबर के सीक्वेंस आगे पीछे कर दो तो भी उनका आंसर सेम ही रहता है। याद रखना है, ये प्रॉपर्टी मेमोराइज कर देना है, नोटबुक में लिख देना फिर से, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई दो नंबर का आप सीक्वेंस चेंज कर लेते हो तो भी आपको सेम मिलेगा, बट दिस प्रॉपर्टी कैन नॉट वर्क फॉर द सबट्रैक्शन और डिवीजन। डिवीजन और सबट्रैक्शन के लिए वर्क नहीं कर सकता। चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपली हम एग्जांपल लेंगे 3/5 = 8 एंड 5/3 = also 8, तो वी कैन राइट इक्वल टू 3 × 5 = 15 5 × 3 = also 15, तो वी कैन राइट इक्वल। बट इफ वी राइट अ 3 - 5 एंड 5 - 3, तो 3 - 5 = -2 एंड 5 - 3 = 2, तो -2 एंड -+2 कैन नॉट बी अ सेम। सिमिलरली डिवीजन के लिए भी ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट मींस चेंज ऑफ सीक्वेंस ऑफ टू नंबर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल इसके जैसे, ये भी एडिशन, इसको हम बोल सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो उसमें क्या है, इसमें मान लो कि 3 फ्रैक्शन रेशनल नंबर ले लेता हूं, 1/3 + 2/5 + 5/6, तो यहां पे मैंने जो एडिशन किया है जो ग्रुप में, वो ग्रुप है 2/5 और 5/6 का, तो एसोसिएटिव का मतलब है कि आप ग्रुप चेंज कर सकते हो तो भी उसका आंसर सेम ही रहेगा। मतलब कि अगर मैं ग्रुप को चेंज करके 1/3 एंड 5/6 कर लेता हूँ और ये जो 2/5 है उसको मैं अलग कर लेता हूँ तो भी उनका आंसर सेम ही रहेगा। इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव मतलब ग्रुप को चेंज करना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब सीक्वेंस चेंज करना। तो सिमिलरली फॉर द मल्टीप्लीकेशन, अगर ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होता और आप ग्रुप चेंज करते तो भी आंसर सेम ही रहता, बट दिस प्रॉपर्टी नॉट वर्क फॉर द डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, क्योंकि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में अगर आप ग्रुप चेंज करोगे तो दोनों का आंसर में भी चेंज हो सकता है।
डिपेंडेंट ऑन द नंबर्स, इसीलिए दिस प्रॉपर्टी कैन वर्क ओनली फॉर द एडिशन एंड अ मल्टीप्लिकेशन. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम नंबर में ऐड करें तो आंसर सेम ही रहता है, दैट ऑब्वियसली जीरो. मतलब कि 3/5 प्लस अगर हम जीरो लिख देते तो उसका आंसर मिलेगा हमें 3/5 ही मिलेगा. मतलब जीरो को अगर हम किसी नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता है. सो इट इज कॉल्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव प्रॉपर आइडेंटिटी, दैट इज जीरो. एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी बिल्कुल उसके जैसा ही, कोई नंबर जिससे हम रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें और आंसर सेम ही मिले, जैसे कि 3/5 मल्टीप्लाई बाई 1 तो वो 3/5 ही रहता है. तो याद रखना एडिटिव आइडेंटिटी हमारी रहेगी 0 एंड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हमारी रहेगी 1. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, आप लिख लेना कहीं पे. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन हो सकता है. वो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो a इंटू बी प्लस सी या तो b माइनस सी, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चलता है, तो इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस और माइनस, प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस, a इंटू सी. दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अगर एडिशन होता है तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर दो मिनट अगेन. ओके, अगर प्लस होता तो उसको हम लिखेंगे एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, और अगर माइनस होगा तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो ये पूरी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, और अगर माइनस की साइन होगी तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो ये प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको जो सम आएगा वो सम है कि आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे और आपको लिखना है उसमें कि भी राइट द प्रॉपर्टी व्हिच प्रॉपर्टी इज यूज्ड. तो मैं यहाँ पे थोड़े से सम ले रहा हूँ, आपको वहाँ पे बताना है कि इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है. ओके, तो मैंने एग्जांपल लिए है इसके रिलेटेड जो सम होंगे, तो एग्जाम्पल है ही, मैं प्रैक्टिस के लिए सम भी आपको व्हाट्सअप करूँगा. ओके, तो ये प्रॉपर्टी के नेम है, आपको लिखना है 7/8 + 4/7 = 4/7 + 7/8. एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो मतलब जीरो को हम अगर किसी नंबर में ऐड करते तो वो सेम ही रहता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो. इसमें क्या किया है, यहाँ पे ग्रुप था -2/5 and 3/7 का, तो यहाँ पे हमने ग्रुप चेंज कर लिया, तो ग्रुप चेंज कर लिया, वो ग्रुप चेंज करने के और हम बोल तो ग्रुप चेंज करने वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. बट यहाँ पे जो एसोसिएशन है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए है, तो इस ये प्रॉपर्टी का नाम रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. सिमिलरली यहाँ पे भी सीक्वेंस चेंज हुई, जब 3/7 आगे था यहाँ पे 3/7 पीछे चला गया, तो सीक्वेंस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए है तो इसको बोलेंगे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन. ओके, ये है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. यहाँ पे ध्यान रखना ये दोनों आपको सेम लगेगी बट ये डिफरेंट है, यहाँ पे दोनों सेम रहता है, या तो दोनों मल्टीप्लीकेशन होता है या तो दोनों एडिशन होता है. यहाँ पे बाहर मल्टीप्लीकेशन है और अंदर या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, तो इसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अगेन
एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहाँ दोनों साइन सेम ही रहते हैं, या तो दोनों मल्टीप्लीकेशन या तो दोनों एडिशन, बस ये दो ही हो सकते हैं। और यहाँ पे बाहर कंपलसरी, ब्रैकेट के बाहर कंपलसरी मल्टीप्लीकेशन और अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एडिशन है तो ये प्रॉपर्टी का नाम रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो ये प्रॉपर्टी का नाम रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे भी हम माइनस कर देते, तो ये प्रॉपर्टी का नाम हो जाता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, ये प्रॉपर्टी की तो बात कर ली, बट एक हम बात कर रहे हैं एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी के लिए। एडिटिव मतलब एडिटिव इनवर्स, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? पहले तो इनवर्स मतलब किसको बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। अगर 3/7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -3/7, अगर -5/2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स रहेगा 5/2। तो एडिटिव इनवर्स मतलब अपोजिट नंबर, याद रखना एडिटिव इनवर्स जिसको हम दूसरा नाम बोलेंगे अपोजिट नंबर। अपोजिट नंबर मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी और व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी? तो एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी मतलब कि दो एडिटिव इनवर्स का एडिशन ऑलवेज जीरो ही होता है। मतलब कि अगर 3/7 है उसका हम एडिशन करते हैं इसके इनवर्स नंबर से, तो इसका इनवर्स रहेगा, एडिटिव इनवर्स रहेगा -3/7। तो +3/7 एंड -3/7 कट हो जाएगा और वो हमारा आंसर आएगा जीरो। तो याद रखना एडिटिव इनवर्स जो होते हैं वो दोनों का, मतलब दोनों जो इनवर्स नंबर होते हैं एक दूसरे के एडिटिव में, उनका एडिशन ऑलवेज जीरो रहता है। सिमिलरली मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव एंड इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब अगर 3/5 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3। ऊपर नीचे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना। याद रखना एडिटिव एंड इनवर्स मतलब अपोजिट साइन, पॉजिटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव। एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब ऊपर नीचे चेंज कर देना है, मल्टीप्लीकेशन में हो तो डिवीजन में, अरे न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नंबर इज ऑलवेज वन। मतलब कि अगर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव है उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कट हो जाएगा और इसका आंसर रहेगा वन। तो एडिटिव इनवर्स का एडिशन जीरो और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन वन रहता है, ये दो एक्स्ट्रा।